देख रहे हैं धाकड़ एक्सक्लूसिव, मैं हूं पद्मजा जोशी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान के एक आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है, जिसके तहत इन्होंने 6 गिरफ्तारियां की हैं। 6 में से 2 लोग पाकिस्तान में ट्रेनिंग करके वापस आए थे। इनका मकसद था उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले खौफ और दहशत फैलाना। 3 अलग अलग राज्यों से गिरफ्तारियां की गई हैं, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी दी जा रही है कि इन लोगों का मकसद था कि जगह जगह पर बम के धमाके किए जाएं, कुछ लोगों को जो बड़ी चुनावी हस्तियां हैं उनको टारगेट बना करके उनकी हत्या की जाए और दहशत का माहौल चुनाव से पहले सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का इनका प्लान था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पूरे देश में एक ऑपरेशन चला करके इस प्लॉट का पर्दाफाश किया, 6 लोगों को गिरफ्तार किया। थ्रू इसकी फंडिंग की जा रही थी। ये तो एक तो आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड थे, ठीक है, उसी की वजह से ये रेडिकलाइज होने के बाद ही ट्रेनिंग के लिए वहाँ गए थे, और बाकी इनको फंडिंग में कुछ कैश कंपोनेंट मिलना था या और कोई बात थी वो इंटरोगेशन में आया। ये जो जब ये मस्कट से आगे गए थे, पाकिस्तान ट्रेनिंग के लिए गए थे, तो वहाँ पर लगभग 15 लोग बंगला स्पीकिंग वाले भी थे, जो कि इनको अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया गया, तो ऐसे लगता है जैसे कि उनको भी सिमिलर ट्रेनिंग के लिए ले जाया जा रहा था। ये जो 2 पाकिस्तान ने ट्रेन हो क्या है, ये पर्टिकुलरली यूपी के बेस जो बाकी 4 लोग हैं, जैसे एक महाराष्ट्र का, बाकी 3 उत्तर प्रदेश के, इन पे क्यों फोकस कर रहे थे, कोई स्पेसिफिक रीजन इसका इनका कि यूपी सेंट्रिक काफी ज्यादा उनकी रिक्रूटमेंट? नहीं, इसको यूपी सेंट्रिक नहीं कहा जा सकता, ये तो इट इज स्प्रेड ओवर ऑल द स्टेट्स, स्प्रेड ओवर, इट्स अ मल्टी स्टेट ऑपरेशन। ये तो जी कोर्ट का मैटर है, वी विल अप्लाई, हम तो 14 दिन की मांगे, हाँ हाँ कोर्ट में पेश कर कहाँ पहुंची जैसा मैंने बताया, इसमें 2 कंपोनेंट्स हैं। एक है अंडरवर्ल्ड वाला कंपोनेंट, उनका काम था आईडी को सेफली क्रॉस कराना और उसके बाद उसको सिटीज तक पहुंचा देना, और दूसरा कंपोनेंट था जिनका काम था कि इनके इस्तेमाल की जगह ढूंढना, कि कौन से फेस्टिवल में कहाँ पे इनको इस्तेमाल किया जा सकता है वो करना, और उसके बाद उनको प्लांट करना। तो ये 2 कंपोनेंट थे, और इनका आपस में जो कोऑर्डिनेशन है वो सारा अक्रॉस द बॉर्डर से किया जा रहा था। सो दैट इज़ व्हाई वी आर सेइंग कि ये एक पाक ऑर्गेनाइज्ड, एक कोऑर्डिनेटेड वो है, जिसमें कि ट्रेनिंग भी वहाँ से हुई है और ऑर्गेनाइजेशन और कोऑर्डिनेशन भी सारा वहीं से किया। सर एक बार ये बता दीजिए ना, कितने दिन की पीसी मांगोगे, तो ओपन कोर्ट में ही बोलोगे? हम तो 14 दिन की मांगे। 14 दिन की ना, ठीक, थैंक यू। टेरर के खिलाफ मुहिम में एक बड़ी सफलता मिली है। एक मल्टी स्टेट ऑपरेशन में हमने 6 लोगों को गिरफ्तार करा है। खास बात इसमें यह है कि इन 6 में 2 आदमी ऐसे भी हैं जो कि पाकिस्तान में जाकर अभी इसी साल ट्रेनिंग कर वापस आए हैं। केंद्रीय एजेंसी से हमें एक इनपुट मिला था कि भारत के कुछ प्रमुख शहरों में कुछ आतंकी घटनाएं करने की एक साजिश हो रही है, जो कि बॉर्डर के उस पार से है। इस सीरियस इनपुट को देखते हुए दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एक खास टीम कॉन्स्टिट्यूट करी, जो डीसीपी प्रमोद कुशवाहा के सुपरविजन में थी, और एसीपी हृदय भूषण और ललित जोशी के अंडर ये टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई। इसमें एक जब ह्यूमन और टेक्निकल इनपुट्स को एनालाइज किया गया तो देखा कि ये तो कई स्टेट्स में फैला हुआ एक काफ़ी बड़ा नेटवर्क है, और आज सुबह इसको ऑपरेशन को कंक्लूड करते हुए हमने सिमल्टेनियसली कई राज्यों में रेड करी। सबसे पहले एक महाराष्ट्र के रहने वाले समीर नाम के आदमी को गिरफ्तार करा है, इसको कोटा में एक ट्रेन में हमने गिरफ्तार करा। उसके बाद 2 आदमी दिल्ली में गिरफ्तार हुए, और इनसे जो आगे बातचीत मिली प्लस जो हमारे पास टेक्निकल इनपुट्स थे उसके ऊपर फिर
यूपी में जहाँ हमारे पास UPATS का बहुत क्लोज कोऑपरेशन रहा, UPATS के साथ मिलकर हमने 3 लोग वहाँ से अरेस्ट करे। 6 लोगों की गिरफ्तारी, 6 आतंकी जिनमें से 2 ने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली थी। ओसामा और जीशान दोनों पाकिस्तान में बाकायदा ट्रेनिंग लेकर के आए थे। त्योहारों से पहले और उत्तर प्रदेश चुनाव से महज 6 महीने पहले इनका मकसद ये था कि दहशत का माहौल पैदा कर दें। महाराष्ट्र, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से गिरफ्तारी हुई है। साथ ही साथ जब दिल्ली पुलिस ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पुलिस का ऑपरेशन अभी भी जारी है। कई जगहों पर छापेमारी चल रही है, कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। एक ऐसे शख्स पर छापा मारा गया है जो कि मदरसे के संचालक थे। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर इस वक्त